अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर से खैर मकदम है आपका हमारे YouTube चैनल हकीम जी रहमानी पर। उम्मीद करता हूँ सभी भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ, जिन लोगों को ये शिकायत रहती है कि लूजपन बहुत रहता है, ढीलापन आता है, तो उनके लिए मैं बता दूँ दोस्तों, जब तक आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं होता, तब तक आप कोई भी दवाई खा लें, कुछ भी खा लें, आप पर पूरी तरह असर नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो आज मैं ऐसा घरेलू नुस्खा लेकर आपके लिए हाजिर हुआ हूँ जिसे खाकर आपका डाइजेशन सिस्टम भी ठीक होगा, आपकी टाइमिंग, आपका स्टेमिना, आपकी शक्ति भी आपके वजू में बढ़ेगी। करना क्या है आपने इसके अंदर, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी ज़रूर दबाएँ, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन बआसानी मिलते रहेंगे। सॉरी। साथ ही आपसे गुजारिश है, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, अपने मुस्तनद हकीम से अपने मिजाज का ज़रूर चेकअप कराएं, क्योंकि हर किसी का मिजाज अलग होता है और हर नुस्खे का मिजाज अलग होता है। कुछ परहेज़, हमारी कोई भी चीज़ आप खाते हैं पीते हैं, उससे पहले थोड़ा सा मैं परहेज़ बताता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 50% दवाई काम करती है और 50% परहेज़ काम करता है, ये बात आपको माइंड में बिठा लेनी होगी ज़रूर। आपको खट्टी चीज़ें, फास्ट फूड, गर्म चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, तली भुनी चीज़ों से दूरियां बना लें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये हमारे निज़ाम हज़म को ख़राब करती हैं। और जिन लोगों का निज़ाम हज़म ख़राब रहता है, फिर कोई भी दवा, कोई भी नुस्खा उस पर पूरी तरह असर नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, तो इनसे दूरियां बना के रखें। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं नुस्खे की जानिब। नुस्खे में आपने लेना क्या है, आपने एक टमाटर लेना है और उसके पीसीस कर लेने हैं, एक बड़ी सी बाउल इसमें काट लीजिए। फिर उसके बाद आपने लेना है एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा और एक गिलास गुनगुना पानी। इन तीन अदरक को भी छील कर काट लें आप। अब इसमें डालना है आपको आधा चम्मच तुक मलंगा। चारों चीज़ों को मिक्सी में डालकर ग्राइंडर कर लें, बहुत अच्छे से ग्राइंडर कर लें, और उसके बाद आपने इन्हें छान लेना है। छानने के बाद आप इसे बिना छाने भी पी सकते हैं, लेकिन छान ले तो बेहतर रहेगा। छानने के बाद आपने इसे आधा घंटा पहले बिस्तर पर जाने से पहले, आधा घंटा पहले आपने इसे पी लेना है। उसके बाद में आपने कुछ नहीं खाना। अब आप इसका कमाल, इसका करिश्मा बिस्तर पर ही देखोगे। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद, इंशाल्लाह इस्तेमाल करें, बहुत नफ़ा होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का नुस्खा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। जल्द मिलता हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।